पेट्रोल से भी साफ हो रहा है। नहीं बाइक देखो कितनी गंदी हो रखी है। पहले चैन क्लीन होगा, अभी ये तार बड़ा से चैन क्लीन हो रहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार, दिस इज राम जी सर, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि सारे लोग बढ़िया होंगे। भाई मैंने ले लिया है होंडा सीबी 200X, जो कि सेकेंड हैंड बाइक लिया है, और भैया आज चलते हैं इसको सर्विस करवाने, क्योंकि जब से लेके आया हूँ तब से रखी हुई है, और इसका एक्सलेटर केबल चेंज करना है, जो एक्सलेटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, और सर्विस भी करवा लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ, तो साल भर से रखी हुई बाइक थी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सर्विस कॉस्ट आता है, और सर्विस करवाते हैं आज इसका, उसके बाद अपनी लंबी लंबी राइड लगेगी। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं मोहन भाई के शॉप पे, और यहां पे अभी बाइक लेके गए हैं वो टेस्ट करने के लिए कि क्या क्या दिक्कत आएगी या आ रही है, उन सब चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद वो सर्विस करेंगे। तो देखते हैं सर्विस होता है। तो बाइक अपनी आ गई है और सर्विस के लिए खुल चुकी है। पहले चैन क्लीन होगा, अभी ये तार बड़ा से चैन क्लीन हो रहा है, और उसके बाद देखते हैं पूरा ये पार्ट्स पूरा खुलवाएंगे और साफ़ करवाएंगे, क्योंकि बाइक रखी हुई थी और थोड़ी थोड़ी इंजन हीट हो रही है, क्योंकि बाइक लगभग जनवरी से रखी हुई बाइक है, और जो बंदा चलाता था वो बंदा चला गया विदेश, इस वजह से मुझे मिल गया, काफ़ी चीप रेट में मिल गया बाइक। वैसे बिल्कुल ठीक ठाक है, इंजन बिल्कुल सही है, तो आज इसकी फुल सर्विस करवाते हैं। यहाँ पे अपनी चैन उसको क्लीनिंग हो रहा है, और अभी बाइक पूरी खुल चुकी है, पिछला चक्का खुला है, अभी अगला बाकी है, और इसकी फुल सर्विस करवानी है। ये सब पूरा गंदा गंदा हो रखा है। जब तक मोहन भैया सर्विस करते हैं तब तक मैं इन सब की क्लीनिंग कर लेता हूँ। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just. तो भैया अपनी बाइक देखो कितनी गंदी हो रखी है, जब से मैं लाया हूँ तब से वॉशिंग नहीं हुआ, क्लीनिंग नहीं हुआ, लेकिन आज मैं प्रॉपर इसको करा रहा हूँ और खुद कर रहा हूँ इसका सर्विस। सर्विस तो नहीं लेकिन क्लीनिंग पूरा कर रहा हूँ अपने हाथ से, साफ सफाई। तो साफ सफाई करने का मेन रीज़न है कि बाइक बहुत दिनों से रखी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तक मैंने कुछ साफ़ किया है, अभी बहुत सारा बाकी है इसको साफ सफाई करने के लिए, तो इसको फटाफट साफ सफाई करते हैं। इस साइड का तो मैंने क्लीन कर रखा है, अभी क्लीन किया हूँ, बाकी उस साइड का बचा हुआ है तो वो भी क्लीन करते हैं। और इसका एक्सलेटर केबल भी चेंज करवाना है, तो वो भी चेंज कराएंगे, जो कि एक्सलेटर केबल यहाँ पे रहा, ये रहा एक्सलेटर केबल दो है, इसको भी निकलवाते हैं और क्लीनिंग करवाते हैं, सॉरी चेंज करवाते हैं। गाइस तो अपनी बाइक की सर्विस रियर टायर की तो हो गई, रियर चक्का के, लेकिन फ्रंट टायर का, फ्रंट चक्का खोलने के लिए 12 नंबर एलिंकी चाहिए, जो कि अभी मिल नहीं रहा, सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अब टाइम आ गया है भैया फाइनली अपना एक्सलेटर केबल चेंज होने का, जो कि अभी खुल रहा है, खुल जाता है, चेंज हो रहा है, आज बाइक की वॉश भी करवाएंगे। काफ़ी गंदी हो रखी है रखे रखे, यहाँ पे एक्सलेटर का केबल अपना निकाला जा रहा है प्लास्टिक से और इंस्टॉल किया जाएगा।
डिस्क ऑयल भी चेंज करवा रहा हूँ ताकि गाड़ियाँ प्रॉपर चले, ब्रेक जो क्योंकि फंस रही थी वो फंसे ना। पेट्रोल से भी साफ हो रहा है। फाइनली सर्विस करवा के आ गया और इसका ट्रिप मीटर जीरो कैसे किया जाता है ये मुझे पता नहीं, देखते हैं। वक्त हो गया, ट्रिप बी को भी जीरो कर लेते हैं। हो गया, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट भर भर के चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइड के साथ।